छत्तीसगढ़ के कई शहरों में मौसमी बीमारियों ने अपना कहर बरपा रखा है। बिलासपुर में डायरिया के बाद अब मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। शहर में 4 लोग मलेरिया से पीड़ित मिले हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। वहीं जांजगीर की तस्वीर देखिए, चांपा के कोसीर गांव में डायरिया से 17 साल के लड़के की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं। इनमें 27 लोगों का इलाज पामगढ़ के CHC अस्पताल में चल रहा है। वहीं बाकी लोगों का इलाज गाँव के स्कूल में लगाए गए कैंप और घरों में चल रहा है। विधायक शेषराज हरबंश अस्पताल और गांव पहुंची और पीड़ितों से मुलाकात की। डॉक्टर्स को मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। वहीं खैरागढ़ के मोडबरी में डायरिया से पीड़ित 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कवर्धा जिले के सोनवाही में पिछले दिनों बैगा समुदाय के 5 लोगों की अलग अलग बीमारियों से हुई मौत के बाद जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जगह जगह जांच शिविर लगाए गए हैं। वहीं गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक में 110 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। राजा की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी CMHO PHEA और SDM की अध्यक्षता में वहाँ पे घर घर जाकर जिनके यहाँ डेथ हुई है पता किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया तो अलग अलग कारणों से डेथ हुई है।